टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। आप एक समय कितना भी बोल लो कि दोस्त इंपॉर्टेंट है, परिवार इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसा सब कुछ नहीं भी होकर ना सब कुछ है आपके लाइफ में। एक समय आपको ऐसा फील होगा, देख लीजिएगा लाइफ में। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और आप हमारा खुद का एप्लीकेशन जो है ना सक्सेस की 98 गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर अपने हर एग्जाम का जो है टेस्ट, मॉक टेस्ट बोलते हैं या फिर बोलते हैं हम सभी स्पीड टेस्ट, वो वहां पर जाकर आप दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और एक बात, अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आपको पूरे एक साल तक जो जो एग्जाम आएगा हर एग्जाम का 20 से 25 सेट दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम से पहले जज कर पाओ कि आप कितना प्रिपेयर हो उस एग्जाम को लेकर, ठीक है। और एक बात, कल शाम को यानी एक मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो डाला था SSC CHSL को लेकर, तो वो वीडियो आप सभी पक्का देख लेना। मैंने बताया है कि इंग्लिश में क्या करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहा है कि भैया इंग्लिश में क्या करें, स्ट्रैटेजी लास्ट में क्या होना चाहिए। बहुत दिन से पढ़ाई तो कर ही रहे हैं लेकिन फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए एग्जाम से ठीक पहले, तो वो वीडियो भी मैंने डाल दिया है। आप सभी एक बार चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। और आज की क्लास का टाइमिंग आप प्लीज नोट कर लेना, प्लीज सारे क्लास का टाइमिंग आप सभी करेंट अफेयर जो अभी आपको मिल रहा है, प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चन है ना, वो शाम को 4 बजे क्लास चलेगा। उसके पहले चलेगा आपका 2 बजे GS का क्लास, जो 18 और 19 में जितने भी GS के क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद शाम को 6 बजे मैथ का क्लास, 8 बजे एक नया क्लास स्टार्ट हुआ है जो है स्टैटिक GK, जो टॉपिक आपको एग्जाम में पढ़कर जाना ही जाना है और इसका नोट्स आप सभी के पास रहना चाहिए। आप कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है वो जाने। बाकी क्लास पता है रात को 10 बजे भी मैंने बोल दिया है, एग्जाम से ठीक पहले 200 क्वेश्चन कराऊंगा। आज पहला क्लास है, ठीक है, 10 बजे रीजनिंग का और 11:30 बजे उसके पास अंतिम आप सभी का फेवरेट रिवीजन क्लास पूरे साल भर का करंट अफेयर का। और आज कवर करने वाले हम सभी 23 और 24 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा संगठन है अपने चालक दल के अंतरिक्ष अभियानों का विस्तार करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की अगली पीढ़ी को चंद्रमा पर चलने और मंगल की यात्रा करने के लिए देखता है, और वो कौन सा है? तो वो है आपका NASA, ऑप्शन नंबर आपका D, ठीक है। और NASA के हेड कौन है? तो NASA के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हेड है, उनका नाम क्या है? जेम्स फ्रेडरिक ब्रिंडस्टाइन। और NASA का हेड क्वार्टर कहां पर है? तो वो है आपका Washington DC, यूनाइटेड स्टेट। और एक बात आप सभी को पता है, NASA ने एक टारगेट रखा है कि 2024 में चंद्रमा के ऊपर वो महिलाओं को भेजेगा। महिलाओं सब आज तक कोई भी महिला चंद्रमा के ऊपर नहीं गई है, ये पहला बार होगा जब NASA 2024 में महिला को भेजेगा। आप सभी को पता है पहला व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा पर गया था? तो वो था आपका कौन? नील आर्मस्ट्रांग, ये सभी को पता है। तो महिला को भेजने का भी योजना प्लानिंग चल रहा है 2024 में NASA के तरफ से। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक पुस्तक है द थिन माइंड मैप बुक, इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक कौन है? आपका धर्मेंद्र राय, ऑप्शन नंबर आपका D, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ICC वनडे क्रिकेट में रैंकिंग के मामले में टॉप यानी शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आप फोटो देखकर ही समझ गए होंगे, इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है, इंडियन टीम के कैप्टन है जिनका नाम है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर आपका C। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक अब्दा प्रबंध अभ्यास 2020 में भाग नहीं ले रहा है?
और ये जो मीटिंग हुआ है ना वो कहां पर हुआ है, तो वो हुआ है आपका उड़ीसा में, ये भी आप सभी याद रखिएगा। ये जो आपका बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज जो 2020 का होने वाला, कहां पर, उड़ीसा में, और इसमें टोटल 5 देश जो है वो भाग ले रही है। पहला तो आपका नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, लेकिन भूटान नहीं है। तो आंसर तो आपको यही बोला है ना, कौन सा नहीं है, तो भूटान नहीं है। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, भूटान। लेकिन मैंने क्या बोला, इसमें 5 देश भाग ले रही है, तो 3 देश तो आपने देख लिया, बाकी 2 देश कौन है भैया, तो वो है एक हमारा भारत इंडिया और दूसरा है आपका श्रीलंका, ठीक है, टोटल 5। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईसीसी रैंकिंग के अनुसार जसप्रीत बुमराह किस खिलाड़ी से गेंदबाज के रूप में शीर्ष स्थान खो चुके हैं। यानी आप सभी को मैं बता दूं, पहले वनडे रैंकिंग में बॉलर के मामले में जो बुमराह है ना वो टॉप पर थे, लेकिन अभी उनको पीछे छोड़कर जो है न्यूजीलैंड के स्टार बॉलर ट्रेंट बोल्ट, ये अभी जो है वो टॉप पर हो गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लगातार 20वीं वर्षगांठ मनाई है, और वो है कौन, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नासा। नासा के बारे में बता ही चुका हूं, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर या हेड कौन है और वहां का हेडक्वार्टर कहां पर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईसीसी वनडे रैंकिंग के अनुसार ऑलराउंडर के मामले में टॉप पर कौन है, तो ऑलराउंडर के मामले पे टॉप पर कौन है, तो वो है आपका मोहम्मद नबी, ऑप्शन नंबर आपका भी बहुत लाजवाब ऑलराउंडर है। सकीबुल हसन जो बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर थे, हालांकि वो नंबर 1 पर थे, लेकिन आप सभी को पता है उनके ऊपर 2 साल का बैन लगाया गया है आईसीसी के द्वारा। उनके कुछ बहुत महीना हो गया वर्ल्ड कप के बाद, आई थिंक उन्होंने मैच खेला ही नहीं है, उसके बाद इतने दिन मैच नहीं खेलने के कारण जो है मोहम्मद नबी जो है वो टॉप पर चले गए। और ये किस देश को प्रेजेंट करते हैं, किस देश से खेलते हैं, तो ये खिलाड़ी है आपके अफगान के, यानी अफगानिस्तान के। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आप सभी को कमेंट कर ये बताना है कि अफगानिस्तान का मुद्रा क्या है, वहां का राजधानी क्या है और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है। यह 3 चीज आपको अफगानिस्तान के बारे में कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महिला उद्यमियों के लिए जैविक खाद्य महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा। द ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल फॉर वोमेन एंटरप्रेन्योर विल बी हेल्ड इन विच सिटी, और ये कहां पर होने वाला है, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल, वहां के उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजाल। और एक बात, इस ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का जो थीम था, जो विषय था, वो क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ देगा कि ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जो हुआ आपका नई दिल्ली में, उसका विषय क्या था, तो विषय याद रखिएगा, अनलिस्टिंग इंडिया ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल, यानी भारत के जैविक बाजार की क्षमता का खुलासा करें, यह जो है इस बार का विषय था, थीम था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वेंडल रॉड्रिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। आपको जो फोटो में दिखाई दे रहा है यही थे आपके वेंडल रॉड्रिक, और ये बहुत बड़े फैशन डिजाइनर थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, बहुत बड़ा नाम है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत किस देश के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करेगा। इंडिया अलोंग विथ विच कंट्री विल कैरी आउट द जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे, और वो देश कौन सा है, तो वो देश है आपका श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, महिंदा राजापक्सा, और वहां के राष्ट्रपति की बात करें तो गोटाबाया राजापक्सा, और वहां कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धने पूरे कोटे। मुद्रा क्या है, श्रीलंकन रूपी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, मैत्री 2019 जो ये अभ्यास है, जो ये एक्सरसाइज है, जो भारत और थाईलैंड के बीच का ये अभ्यास है, ये अभ्यास दोनों देश के द्वारा मिलकर ये अभ्यास कहां पर किया गया है, आपको यह बताना है। तो यह किया गया है आपका मेघालय में, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगर बात करूं थाईलैंड के बारे में, तो
तो थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड में करेंसी यानी कि मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल होता है आपका थाई बहत। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो प्रायुत चैन ओचा। ठीक है, अगर वहीं पर बात करें हम सभी मेघालय को लेकर, तो मेघालय के राज्यपाल कौन है? तथागत रॉय। और वहां के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? कॉनराड कोंकल संगमा। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका शिलोंग। ठीक है ना, याद, ये सब पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। और आज रात को 8 बजे वाला क्लास तो काफी इंपॉर्टेंट है जो आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, यूएई यानी संयुक्त अरब इमारात के क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ यूएई डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। और आप जो फोटो में देख रहे हैं ना, इनका नाम क्या है? जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जिनका बचपन इनको, सचिन को, अजय जडेजा को, मोहम्मद अजहरुद्दीन को, सिद्धू को, गांगुली को, इन सबको देखकर गुजरा है ना, वो इनको पहचान गए होंगे कि भैया ये रॉबिन सिंह है। जैसे आज के डेट में भैया हार्दिक पांड्या है ना, या फिर शिवम दुबे है इंडियन टीम के लिए, या रविंद्र जडेजा है भैया, उस समय ना 2000 के लगभग 95 से लेकर 2000 तक बोल सकती हो, या इंडिया के एक सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर थे जिनका नाम क्या था? रॉबिन सिंह। और ये सिर्फ बैट्समैन बॉलर नहीं, उस समय के ना सबसे लाजवाब फील्डर में से इनका गिनती था, जोड़ी था इनका। जैसे अगर आप क्रिकेट के प्रेमी होंगे तो जानते होंगे एक समय जोड़ी सबसे बेहतरीन जोड़ी किसका था फील्डर फील्डिंग में? तो आप बोलेंगे भैया मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह। उसी के तरह एक समय अजय जडेजा और रॉबिन सिंह का जोड़ी था फील्डिंग के मामले में, हालांकि ये बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी, और उतने ही शानदार। अगला प्रश्न हमारे सामने, AICF यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AICF? तो उनका नाम है आपका अजय पटेल। और एक बात आपको बता दूं इस क्वेश्चन से, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है, वो कहां पर है? तो वो पड़ता है आपका चेन्नई में। ठीक है ना, याद रहेगा ना। अगला प्रश्न हमारे सामने, एक पुस्तक है, उस किताब का नाम क्या है? मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर। इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना? हु हैज लॉन्च द बुक मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर एट BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में? तो उनका नाम क्या है? प्रीति के सरोफ, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको आप सभी जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कब के, 23 और 24 फरवरी का। और इसका पूरा PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी जो लिंक है वो शेयर कर दिया गया है। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। और जाते जाते जरूर बोलूंगा, आज के क्लास के टाइमिंग को आप सभी कम से कम एक बार नोट कर लेना, ताकि आपका आज का क्लास मिस ना हो। और जितने भी क्लास का PDF है, टाइम टू टाइम आपका अपडेट किया जाएगा, और हर एक PDF का लिंक आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाना, जहां पर आपको हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। ठीक है ना, चलिए।